यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। और सौरभ जोशी व्लॉग पर मैं देने वाला हूँ रिएक्शन। तो गाइस देखते हैं कि इंडियन कैसे व्लॉग होते हैं, तो मज़ा आएगा देखने में। तो इस वीडियो का टाइटल भी है मज़ा आ गया, तो देखते हैं कि ये कैसा व्लॉग है। तो पहले जो व्लॉग देख लेते हो बाकी सारी बात, उसके बाद अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तभी गाइस एक बहुत 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 फनी सीन हुआ, इतने सब्सक्राइबर मिल रहे थे ना, उसमें से एक लड़का लड़की मिले। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी जस्ट उठा हूँ मैं। और पीछे व्यू देखो, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, अभी हम देवप्रयाग में हैं, पीछे गंगा नदी बनती है ना, अलकनंदा और भागीरथी मिलके। तो हाँ, सुबह सुबह उठ के मैं तो यहाँ पे बालकनी में आके बैठ गया, तो अच्छा लग रहा है ना। उठने में लेट हो गया बिकॉज रात को 2 वीडियो एडिट करी थी और काफ़ी थक भी गए थे, कल का दिन काफ़ी हैक्टिक था ना। तो अभी उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं और फिर आज निकलते हैं। आज हमारा और आगे तक जाने का प्लान है। आज हम जा रहे हैं धारी देवी टेम्पल और टिहरी, तो आपको टिहरी डैम दिखाएंगे पूरा। कल रात भर यहीं पे स्टे किया, इतना मज़ा आ रहा था ना, पानी की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है ना यहाँ पे, भाई बहुत बहुत सुंदर जगह है ये। मेरी ड्रीम जगह थी जहाँ पे मुझे आना था, तो फाइनली आ गया। हम इसी तरह से कर रहे हैं, एक एक दिन सब जगह स्टे कर रहे हैं। तो अभी साहिल भी उठ गया, शुभम कहाँ गया? सुबह से गायब है। तो रात को हम यहाँ पे सोए थे दोनों भाई, यहाँ पे शुभम यहाँ पे। तो भी गाइज नहा धोके तो रेडी हो गए, अब जल्दी से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। एक कपड़े सूख गए क्या? हाँ कपड़े तो सूख गए, लेकिन मेरे शूज़ नहीं सूखे यार, आज भी गीले शूज़ डालने पड़ेंगे यार। एक्चुअली एक्स्ट्रा लाना भूल गए ना। तेरे सूख गए? तेरे कैसे सूख गए? ओ भाई हल्के हैं ना इसलिए। साहिल के सूख गए। तो अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, 11 बजे ब्रेकफास्ट के लिए भी लेट है, लास्ट 10:30 बजे तक होता है, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, रिक्वेस्ट कर लेंगे प्लीज़ दे दो, बहुत भूख लग रही है। फाइनली ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत शोर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना। तो फिलहाल मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में तो टाइम मिलेगा नहीं, बाद में ट्रैवल करते रहेंगे पूरा दिन भर, अभी थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। चलो खाना हो चुका है, अब चलते हैं। तो अब चलते हैं, चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। ये मेरे बैग ज़्यादा हो जाते हैं यार, एक लैपटॉप का बैग, कैमरे का बैग, ड्रोन बैग और अपने सूटकेस। अगर व्लॉगिंग नहीं होती ना तो सिर्फ एक बैग होता छोटा सा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक कपड़ों में 10 दिन रह लो भाई। लेकिन अब थोड़ा रहता है ना कि डेली डिफरेंट डिफरेंट कपड़े दिखने चाहिए, तो व्लॉग में थोड़ा नया नया ऐसा लगता है, इसलिए मैं डेली के लिए अलग कपड़े लेके आया हूँ। तो भी गाइस चेकआउट तो कर दिया, अब गाड़ी में सामान रखते हैं और चलते हैं। कल गाड़ी में और नुकसान हो गया, कल इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, किसी की शॉप से एक बैनर निकला, हवा से उड़ा और सीधा गाड़ी पर लगा। तो यहाँ पर लगा, देखो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। तो सामान रख दिया गाड़ी में, अब चलते हैं। जाना कहाँ है, मैप तो लगाओ। धारी देवी टेम्पल स्टार्ट, 52 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा जानते हो मुझे? अरे ये किस लिए पिला रहे हैं? ये हमारा बैसाख माह से स्टार्ट हो रहा है पंजाबियों का, उसके उपलक्ष्य में पिलाया जा रहा है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हाथ क्यों कांप रहे हैं? फर्स्ट टाइम आपको इतने करीब से देख रहा हूँ, आप यूनिट। ओके थैंक यू, बाय बाय। यहाँ से बस 1 किलोमीटर रह गया, तो अभी यहाँ रुके हैं और अभी हमको जाना है वहाँ पे, वो है टेम्पल, देखो नदी के बीच में टेम्पल है। तो गाइस ये टेम्पल है, तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा वहाँ पे। तो अभी गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर, अब प्रसाद लेते हैं और चलते हैं नीचे। तो गाइस प्रसाद भी ले लिया, अब चलते हैं नीचे। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी किनारे पे, तो चलो। तो गाइस कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से जाने का, और वो धारी देवी टेम्पल, और वहाँ पे एक पुल भी है प्यारा सा। जय माता दी। कैसे हो? खतरनाक, आगे व्लॉग देता रोज। अरे थैंक यू। हाँ मेरी दुकान की फोटो आंटी, अरे मेरी दुकान की फोटो ले लो। तो अभी हमको जाना है यहाँ से वहाँ पे टेंपल पे। हेलो अरे पैर मत। अरे तभी हमने शूज निकाल दिए हैं, तो भी गाइस मंदिर में होके आते हैं, अंदर अलाउ नहीं होगा ना कैमरा वैमरा, तो मंदिर होके आते हैं फिर मिलता हूँ। तो भी गाइस मंदिर से तो आ चुके हैं, नहीं हम दिल्ली से हैं। अच्छा दिल्ली से? गांव में आए हुए इस समय। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ उत्तराखंड में? बहुत पॉजिटिव लग रहा होगा ना। अरे थैंक यू सो मच आपका प्यार। पीयूष का स्कूल होता है ना? हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। मंदिर में आके तो अच्छा लगता ही है, बट आप लोगों से मिलके और भी ज्यादा। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, हर जगह कहीं भी चल जाओ आप लोग एकदम मस्त प्यार देते हो। तो मंदिर में तो हुआ है प्रसाद चढ़ा दिया है, और यहाँ पे तिलक भी लग चुका है, अब चलते हैं सीधा नदी में। नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और ये देखो टेंपल, वो है टेंपल, यहाँ से भी हम गए थे वहाँ पे। तो फिलहाल अब ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन से दिखाएंगे कैसे लगता है। अपने को मीटअप करने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप हो जाता है। तभी गाइस एक बहुत 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 फनी सीन हुआ, इतने सब्सक्राइबर मिल रहे थे ना,
उसमें से एक लड़का लड़की मिले, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, दोनों सब्सक्राइबर थे, दोनों मतलब फ़ैन थे, दोनों मेरी वीडियोस देखे, दोनों को व्लॉग में भी आना है, लेकिन दोनों साथ में नहीं आ सकते बिकॉज घर वाले देख लेंगे तो कह रहे अलग अलग लो और वीडियो में एक साथ नहीं दिखने चाहिए लेकिन साथ में भी शूट हो गया, उनको कट करना पड़ेगा। लेकिन अब फिलहाल चलते हैं यहाँ से, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। बचपन में बहुत क्रेज होता था ये सब लेने का, अंगूठियाँ अंगूठियाँ ना। तो अभी गाइस हमारा प्लान बना है जाने का टिहरी डैम, तो टिहरी चलते हैं। यहाँ से अराउंड 72 किलोमीटर है, 2 घंटे लगेंगे, तो वही रुकेंगे आज रात को। हम तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, ऐसे ही मतलब प्लान बना के जहाँ मन करे चले जा रहे हैं हम तो बस। और अच्छा लगा है सब जगह जाके एक्सप्लोर करके नई नई जगह पे। गाइस मंदिर में और नदी के किनारे इतने सारे लोग मिल गए, इतने सारे सब्सक्राइबर, तो उनको देख के मैं सोचता हूँ यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब कि मतलब नॉर्मली वीडियो तो बना रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ नॉर्मली, और फिर भी इतने सारे लोग मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ऐसे क्या कर दिया भाई। नॉर्मली वो तो है, डेली देखते हैं लोग तो, लेकिन जो व्लॉगिंग वाली चीज है ये रियल है, इसमें लोग रियल लाइफ में देखते हैं, लोग डेली देख रहे हैं मुझे, तो लोग डेली देखने में ना इमोशंस हो जाता है लोगों को ना, और साथ में रियल लाइफ देख रहे हैं मेरी, कोई एक्टिंग नहीं देख रहे, कुछ वैसा नहीं, तो और ज्यादा कनेक्ट करते हैं लोग, इमोशनली जुड़े हुए ना, तो अच्छा लगता है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच इतना प्यार रिस्पेक्ट और सब कुछ देने के लिए, आप लोग ही वैसे ही है जो कुछ है। लेकिन एक बात है, पीयूष को सारे मिस करे, जो भी मिल रहा है पीयूष कहाँ है, पीयूष कहाँ है, पीयूष कहाँ है, लेकिन पीयूष तो स्कूल में है अभी। तो भी गाइस बाहर तो बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी यहाँ से 21 किलोमीटर बाकी है। तो भी गाइस रुके, इतनी सुंदर जगह दिखी ना हमको, तो गाइस ये देखो, और जो ये रिवर है इसका नाम है भिलंगना। हमने इस ट्रिप पे इतनी सारी नदियां देख ली ना, अलकनंदा, भागीरथी, नीचे इस पुल में, ये पुल बहुत प्यारा लग रहा है, इसके मैंने आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए, आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो चलो चलते हैं नीचे। तो ये रास्ता है नीचे जाने का, तो ब्रिज के ऊपर तो पहुंच गए हैं और यहाँ पे तो गाड़ी भी जा रही है, तो गाड़ी आ रही है तो हमको साइड होना पड़ रहा है भाई, हवा कितनी तेज चल रही है भाई। हवा सिर्फ पुल के बीच में आ रही है, ये अलग ही सीन है भाई, ये नदी की वजह से आ रही है सिर्फ हवा। हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद कुछ खाया भी नहीं है, टाइम देखो 5 बजने वाले हैं। तो भी गाइस यहाँ पे रुके, यहाँ से व्यू देखो, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़, सनसेट भी होने वाला है भाई। अपने उत्तराखंड में इतनी मस्त मस्त चीजें हैं, देखो मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला डैम है ये पूरे वर्ल्ड का। गलत तो नहीं जा रहे अपन भाई, पत्थर गिरे हुए हैं भाई आगे, जल्दी निकलो भाई और गिर सकते हैं अपने ऊपर। तो भी गाइस फाइनली मेन टिहरी पहुंच चुके हैं, और मेरे पीछे देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल गाड़ी यहाँ रोकी है क्योंकि यहाँ से देखो कितना मस्त लग रहा है यार सामने, और यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, एकदम ठंड लग रही है नैनीताल की तरह। हम पहाड़ के ना बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। अभी फिलहाल देखते हैं कोई होटल वोटल देखते हैं यहाँ पे, तो आज रात को यहीं रुकेंगे। तो भी गाइस फाइनली होटल मिला है, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और इसके सामने ये है होटल पूरा। तो चलो अब रूम वगैरह देखते हैं, सही है ना? बहुत सही है। तो ये वाला होटल हमने फाइनल कर लिया है, अब सामान निकालते हैं और चलते हैं भाई। 4 बैग तो मेरे ही होते हैं यार, यही वाला रूम है अपना, यहाँ से अपनी गाड़ी दिखती रहेगी। तो गाइस ये रूम है डिसेंट सा और सस्ते में मिल गया हमको सही मस्त, और सामने देखो हमारी गाड़ी भी खड़ी है, यहाँ से हमको दिखती रहेगी। तो अब होटल के बिल्कुल ऊपर चल के देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। तो गाइस टॉप से व्यू देखो, चारों साइड कितना मस्त आ रहा है, बिल्कुल टॉप पे और सही जगह पे हमको होटल मिला है। तो भी गाइस बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज सुबह से कुछ खाया भी नहीं हमने, हम ऐसे डोलने में लगे हुए हैं। तो भी गाइस खाने के लिए हम आ गए यहाँ ढाबे पे, और यहाँ पे हमने दाल रोटी ऑर्डर की, दाल रोटी खाएंगे मस्त। तो भी गाइस खाना पीना खा के आ चुके हैं, और थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं और फिर उसके बाद सो जाएंगे, बिकॉज बहुत थक चुके हैं। आज मंदिर भी गए थे और काफ़ी ड्राइव भी करा और काफ़ी मजे भी आए, काफ़ी मस्त मस्त व्यू भी देखे जो कि आपको भी दिखाए, ड्रोन शॉट्स भी लिए, 3 बार तो ड्रोन उड़ा दिया आज। तो हाँ आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। फिलहाल अब हम सोएंगे थोड़ी बहुत एडिटिंग करके, और देखते हैं कल क्या करना है, कोई प्लान नहीं हमारा, बस देखते हैं जो भी हो रहा है, बस जहाँ हम जा रहे हैं कोई कुछ प्लान नहीं है, वीडियोस बना रहे हैं और ऐसी होटल में रात को होटल में रुक जा रहे हैं बस रात। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इसका टाइटल जैसा था मज़ा आ गया, वैसे ही इसका व्लॉग देखने में मज़ा आ गया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।